नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के साथी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें आपको कि पिछले दिनों आरएलडी विधायकों की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात ने जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों को और मजबूत कर दिया है। हालांकि आरएलडी की तरफ से बताया गया था कि सीएम योगी के साथ मुलाकात का मकसद किसानों से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन अटकलें जो हैं वो उनके एनडीए में शामिल होने की लगाई जा रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि मीडिया भी बीजेपी की बात में शामिल हो जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और ये वो इन्फ्लुएंसर नहीं, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पर चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज बीजेपी में जा सकते हैं, पूजा पाल विधायक बीजेपी में जा रही हैं। ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। ये तो जुमला उछाला जा रहा है मार्केट में, ये इसलिए ताकि टमाटर की बात ना कर सके। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाल के बयान भारतीय जनता पार्टी के जो वोट देता है, बीजेपी का जो समर्थन है, जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं, इस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है, बीजेपी का नेता सुर में नहीं है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में लगे ममता फॉर पीएम के पोस्टर और शुभेंदु के स्पेशल 26 से प्रधानमंत्री की पहली दावेदारी वाले बयान पर भी अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, ये तो कार्यकर्ता होते हैं, मगर कभी कभी मंच से हमारे भी नारे लगा देते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर बनाई गई कमेटी, जिसमें सीजेआई को कमेटी से बाहर रखा गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा कि बीजेपी और आरएसएस इसमें अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा पर हुई एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार तो है ही, बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती है। एफआईआर हुई है तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, और इस तरह की उनकी बयानबाजी सामने आई है। इस पर बीजेपी की किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखना अहम होने वाला है। फिलहाल जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।